नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अरोड़ा, प्रोग्राम जागरूक। ये जी पब्लिक दलासा दे विच असी शुरुआत करन चले हाँ, जागरूक की पहली कड़ी है, पहली ही मुलाकात असी तुहानू करान जा रहे हैं। साडा मकसद चैनल का यही है कि जिहड़ी रोज़मर्रा की तुहाडे जीवन च गल्लां बीतदियां ने उन्हां प्रति तुहानू असी जागरूक कर सकीए। सो अज पहली कड़ी दे विच तुहाडी सेहत नूं लै के असी कुछ गल्लां करांगे। हड्डियां दे विशेषज्ञ डॉक्टर सुधांशु बांसल जी नाल, जो कि अमनदीप हॉस्पिटल दे विच पिछले 5 साल तो काम कर रहे ने और बच्चों की हड्डियां दे विशेषज्ञ ने, स्पैशलिस्ट ने, उन्हां कोल जाणांगे बच्चों की हड्डियां बारे, कुछ होर बीमारियों बारे और किस तरह तुसी घर बैठ के अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो सकते हो, किन्हां चीज़ों की तुहानू ख्याल रखने की जरूरत है, कुछ इस तरह से ही गल्लां करांगे डॉक्टर सुधांशु बांसल जी नाल। डॉक्टर साहब, सब तो पहले तो तुहानू असी अपने इस प्रोग्राम के जीएं आखते हैं जी। सब तो पहले डॉक्टर साहब, असी जानना चाहते हैं, साडे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि जिहड़ा बच्चों की हड्डियों की गल कर रही है तो की फर्क है एक आम आदमी और बच्चों की हड्डियों के रोगों को लैके, फर्क की है? बच्चों की हड्डियों सब तो पहली गल तो यह है कि बच्चे कुछ बोल के दस नहीं पाते, मापियां नूं देखना पैंदा कि समस्या कित्थे है। मापे बहुत डर जाते हैं बिकॉज अपने वास्ते अगला कुछ भी नहीं, अपना दर्द सह लैंदा, बच्चा दर्द कोई नहीं सहिंदा, तो वह इन्ना घबरा जाते हैं कि उन्होंने एक ऐसा बंदा चाहिए जो एग्जैक्टली बिल्कुल सही तरीके उन्होंने गाइड कर सके, समझा सके भी ये की चीज़ है तो इलाज कड़ी एज से कद करना है, वो बहुत जरूरी चीज़ है। तो बड़िया हूँ जो जनरल ऑर्थोपैडिक सर्जन है या एक जनरल सर्जन है, उस बंदे नूं उन्नी नॉलेज कई बार शायद नहीं होंगी कि भी इस बच्चे की इस उम्र से यह इलाज होनी चाहिए है या ये एग्जामीनेशन बहुत जरूरी है, उस तरीके नाल उस गहराई नाल एग्जामीनेशन नहीं कर पाता तो दस नहीं पाता कई बार कि यह प्रॉब्लम है। जे बाई चांस किसी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जे खुदा ना खास्ता मिस हो जाए तो उस तो बाद वो नुकसान बहुत ने, बिकॉज बच्चे ने बदना है तो वह प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, सारी उम्र की प्रॉब्लम बन जाती है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी तुम वधिया गल की कि बच्चे दस नहीं पाते, हुण इहोजे वेले जिहड़े पेरेंट्स ने अभिभावक जिहड़े ने उन्हां नूं भी मेरा ख्याल मैडिकल की ज़्यादा जा पता हुंदा नहीं, उत्तों बच्चे दस नहीं पाते तो किस तरह इस रोग नूं वो फड़न और किस तरह इहदा ख्याल रखण। बेसिक जी गल है कि भी कोई बच्चे तो थोड़ा कोई शक आता है तो शक जो कोई चीज़ दिख रही है उन्होंने अनदेखा ना करो, हर तरह के स्पैशलिस्ट है, मैं भी बच्चों का हड्डियों का डिग्री की है तो एक स्पैशलिस्ट को जाओ, वह कोई नुकसान नहीं है, एक तुम विजिट लगाओ, देखो, एग्जामिन करो, डिस्कस करो, जे थोड़ा कोई चीज़ लगती है तो वह ट्रीटमेंट टाइम सिर हो जाएगा, जो निगलैक्ट हो जाए और आप ना टाइम सिर काम करिए बहुत नुकसान हैगा वह। तो कोई भी शक है, कोई भी डाउट है, डिस्कस करना चाहिए किसी स्पैशलिस्ट ना, जो बंद फील्ड से उस सब्जेक्ट काम करता पे। डॉक्टर साहब, हड्डियों की गल करिए खासकर बच्चों की, क्योंकि तुम बच्चों के बहुत ज़्यादा इलाज किया, किस तरह के ज़्यादा रोग जोड़े है बच्चों से तुम्हें नज़र आते हैं, अज्ञा वातावरण वेख के किस तरह के ज़्यादा रोग जोड़े बच्चों के तुम्हारे को आ रहे हैं? अपना हर एरिए अपने अपने तरीके से हर किस्म की प्रजेंटेशन होंगी हैं, तो जिमें साडे हॉस्पिटल जो मेनली आप गल करिए ज़्यादातर बच्चे पैरों की डिफॉर्मिटी आते हैं, पैर टेढ़ेपन जिहड़े पैदा होए तो मापियां नूं दिखता है, कई अल्ट्रासाउंड वेले पता लग जाता है कि ये पैर टेढ़े ने, तो वह साडे कोल हर हॉस्पिटल दे विच उस चीज़ की प्रजेंटेशन ज़्यादा होंदी है। तो उहदे विच भी होर उहदे अलावा जिवें टेढ़ा पैर, छोटे पैर या बच्चे नूं कोई जमांदरू ऑक्सीजन ना मिलन करके दिमाग की कोई इशू हो गया जिहदे नाल टाइटनैस, आकड़ापन, पिट च कोई प्रॉब्लम, ये छोटी मोटी गल है बट मेनली पैरों की डिफॉर्मिटियां बच्चे बहुत आते हैं साडे कोल। जिस तरह तुम्हें दस्या कि जन्म तो ही अल्ट्रासाउंड तो पता लग जाता है या जन्म तो बाद पता लगता है, तो फिर ऐसी मावां कि चीज़ का ध्यान रखना चाहिए डिलीवरी वेले कि जी इस तरह की प्रॉब्लम वो ना आए? मावां का इस कोई रोल नहीं हैगा, यह जी बीमारी जिवें आप क्लब फुट की गल करिए मल्टीफैक्टोरीयल है, बहुत सारे फैक्टर्स ने, ये यदा ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है तो ट्रीटेबल नहीं कहेंगे, इट इज़ वी कैन करैक्टिड करैक्टेबल कहेंगे तो करैक्टेबल हैगा, बट सानू एज अ स्पैशलिस्ट ये चीज़ फाइंड आउट करनी पैंती है कि यह कारण की है, ये कोई इसी सिंड्रोम रिलेटेड तो नहीं है, कोई होर ऐसी चीज़ तो नहीं हैगी जो सूँ ध्यान रख के रीअकरेंस देखने वास्ते AMC है जी, कई बीमारियां फैंसी नेम ने जिन्हों असी रूल आउट करना होंगे, जे कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलती, इस चीज़ का संबंध नहीं निकलता, बहुत सिंपल इलाज है, प्लास्टर्स लगने हैं, फॉलोअप रखना है, टाइम सिर ब्रेसिस पानी है, वो चीज़ जरूरी है।
सर पैरां की जिस तरह तुसी गल दसी है पैरां तो अलावा होर किस तरह की समस्यावां जिहड़ियां हड्डियां नाल जुड़ियां बच्चियां दी या वड्डियां दी होर किसियां किहड़ियां ऐसी समस्यावां ने जिहदे पेशेंट जिहड़े अजकल ज़्यादा आ रहे हैं। जिवें सरवर पॉलिसिक बीमारी होंदी है जिहदे विच जदों बच्चा पैदा हुंदा है तां उहनूं कुछ सैकेंडां लई ऑक्सीजन नहीं मिलता जिहदे करके दिमाग का कुछ एरिया खराब हो जाता जिहड़ा लगातार करंट दिंदा रहिंदा ते बच्चे च अकड़ापन रहिंदा है जिहदे नाल डिफॉर्मिटियां टेढ़ापन ये वो हुंदा है। बच्चा लेट चलता है लेट बैठता है तो कई बार बोलना करना भी लेट हुंदा पेशाब लैटरिन दे भी इशू हुंदे ने ते ओ चीज़ अजकल अपने इस करके ज़्यादा होने लग गई ताकि अपने बच्चे प्री टर्म प्री मच्योर बच्चे जिहड़े हुंदे ने बचन लग गए ने उस करके की हुंदा है कि प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आ रही हैं। तो इस बीमारी का खास करके बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है जी आप बार बार फॉलोअप करिए फिजियो एक्सरसाइज ऑर्थोसिस न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट असी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक ऐसी कई ब्रांचेस मिलकर जो तो काम कर दी हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। यदि प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा है इनू कहते हैं सरबल पॉलिसी वाली बीमारी। डॉक्टर साहब जिस तरह अजकल करोना तो बड़ा लोगों को एक डर जहा पै गया बे पै गया क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं आई जिनी देर नहीं आती लोगों के मन च एक डर है वो मानसिक डर न किस तरह दूर किया जा सकता थोड़े तो वधिया कोई दस भी नहीं सकता किस तरह लोग इस लड़ाई दे विच जंग लड़न या की करन कि चीज़ों का ध्यान रखन जिहड़ा उन्होंने इस बीमारी तो बचा जा सके। बीमारी तो बचने का तरीका तो सिंपल है बहुत देर तो सरकार बोल रही है सब बोलते हैं सब नूं पता है व्हाट्सएप है तो कि सिंपल मास्क हाथ धोवो प्रीकॉशन लवो लोग प्रीकॉशन नहीं लैणगे अपना काम नहीं करेंगे तो फिर एक्सपैक्ट करते सानू कुछ होवे ना पहला आप अपना काम करिए मास्क पाइए हाथ धोइए बार बार अपना आके नहाइए कपड़े साफ रखिए प्रीकॉशन रखिए प्रीकॉशन रखेंगे उस तो बाद डेफिनेटली तुसीं ध्यान रखोगे नहीं कुछ होएगी चीज़ जे हुंदी है तो डरना नहीं हैगा ट्रीटमेंट हैगी है ध्यान हैगा हॉस्पिटल है तुसीं दिखाओगे किसी स्पैशलिस्ट नूं उस हिसाब नाल एडमिट होवो। डॉक्टर साहब हड्डियां दे अगर गल करिए दोबारा फिर चलो करोना की गल करनी भी जरूरी सी लोगों को पता लग सके लेकिन अगर हड्डियां की गल करिए लोग हड्डियां दे मामले च किस तरह का ध्यान रखन जिस तरह कोई आम बच्चे डिग पैंदा वे वो चोट आती है लोग आम घर देखे ध्यान नहीं रखा जाता मलन वाले पास तुर पैंदे ने या कोई इस तरह की गल्लां कर लैंदे ने ते इहो चीज़ां दे विच लोगों नू एक जागरूक करन दी अगर गल करिए ते अगर छोटी मोटी भी सट लगी है खासकर हड्डियां नाल रिलेटिड ते ओह किस तरह उहनू फौरी तौर दे उत्ते उहनां नू ध्यान रखना पवेगा। जे तुहानू लगता कि छोटी चोट लगी है तो तुसीं एक अद्धा दिन देख सकते हो लेकिन जे तुहानू लगता कि सोजिश है बच्चा लंघा रहा है बच्चा बोल नहीं रहा बट लंघा रहा है दिख रहा है उहदा लिंप आ गया है तो तुहानू किसी नू दिखाना चाहिए ताकि लिंप जिहड़ा लंघाना हैगा वह कई कारण करके हो सकता है झूले की प्रॉब्लम लत की प्रॉब्लम पिट की प्रॉब्लम तो उन्होंने असं इवैलुएट करते हैं देखते हैं वो कोई छोटा मोटा ट्यूमर भी हो सकता है कोई फ्रैक्चर भी हो सकता है कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है। इन्फेक्शन तो ऐसी चीज़ है कि भी असी जे मिस कर जाइए कोई भी मिस कर जाए जोड़ तबाह हो जाता है तो सारी उम्र की प्रॉब्लम हो जाती है तो बाद साढ़े को ठीक करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इन्फेक्शन तो बचना सोजिश तो बचना टाइमली इन्फेक्शन रूल आउट करना कोई पिठ की प्रॉब्लम है उन्हों रूल आउट करना टाइम सिर जो कोई ट्यूमर बन रहा है उन्होंने फाइंड आउट करना तो ये चीज़ा एग्जामीनेशन एंड दिखाने नाल ही क्लीयर होंगी है। जे इनिशियली इंजरी हो रही है बच्चा ठीक लग रहा है आइसिंग करो मेडिसिन दो रेस्ट दो उन्हों भजन दौड़न ना दो जे थोड़ी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो स्पेशलिस्ट जरूर दिखाओ। डॉक्टर साहब अंत असी चाहवांगे कोई अपने वालों संदेश ताकि लोग जड़े है बीमारियों तो भी बच सकन और जिहड़ा उन्हां दा जीवन है वह सही तरीके ने चल सके कोई अपने वालों कोई संदेश साडे दर्शकां नूं देना चाहो। हाँ मैं यही कहना चाहवागा कि अपना कोरोना नूं लेके तो मैं यही कहना चाहवागा प्रीकॉशन बहुत जरूरी ने तुसी अज मार्केट से निकल जो कोई प्रीकॉशन नहीं लै रहा सब तो सेफ तो हॉस्पिटल्स ने बिकॉज हर बंदा इतने मास्क पा के बैठता मैं तो यही कहांगा मैं हॉस्पिटल से सेफ फील करता तो गल आ भी ऑर्थोपैडिक या चोटों के बारे जो थोड़ा कोई भी डाउट आता ना तुसी अपना बिल्कुल ना सोचो किसी मिलाण वाले को ना जाओ तुसी एक स्पैशलिस्ट नूं दिखाओ कोई थोड़ा फड़ के नहीं बैठन लगा दिखाने से कुछ नहीं चाहता तुसी दिखाओ डिस्कस करो प्रॉब्लम नूं समझो जो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन्होंने टाइमली एक्ट करो तीन चीज़ा बहुत जरूरी है कोई भी ट्रीटमेंट के बीच टाइमली दिखाना सही इलाज समझना उन्होंने कराना तो बाद फॉलोअप करना लोग फॉलोअप नहीं करते वो सोचते हूँ तो हो गया जी ठीक है बट बच्चों से खास करके बच्चे ने बदना होंगे उगना होर बड़े होना होंगे जिमें जिमें बड़े होंगे उमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है जो आप टाइम से इलाज ना कराइए ये बहुत जरूरी चीज़ है फॉलोअप जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब तुहाडा कि तुसी साडे दर्शकों बड़ी डिटेल च दस्या वै सो दोस्तों जिस तरह डॉक्टर ने दस्या कि कोई भी बीमारी
चाहे हड्डियां ना चाहे कोई होर है उन्हों टाइम सिर फड़ना और डॉक्टर ना स्पेशलिस्ट ना ध्यान उन्हों जाके दसना ये बहुत जरूरी है। इस पिछे एक थानू असं यह भी दस दिए कि डॉक्टर बांसल जी नाल टेलीफोन दे रहे भी उन्होंने गल कर सकते हो, उन्हों का नंबर है 9876002746। दूसरा नंबर भी नोट कर लो 8288001411। मैं दोबारा रिपीट कर लगा ताकि तुहानू किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तुसी डॉक्टर साहब के नाल सीधे संपर्क भी कर सकते हो। और अज की इस इंटरव्यू के विच तुहानू अगर कोई सवाल तुहाडे मन च आता है पूछने वाला तुसी टैलीफोन ते भी पूछ सकते हो। दोबारा नंबर नोट कर लो 8987600002746। दूसरा नंबर भी नोट कर लो 8288001411। सो साडा प्रयास पब्लिक दलासा चैनल का यही है कि तुहानू असी अलग अलग स्पैशलिस्ट डॉक्टर्स दे नाल मिलाइए, तुहानू उन्हां बारे दसीए, वो तुहानू दस सकन कि तुसी बीमारियों तो किस तरह बच सकते हो। अज का प्रोग्राम तुहानू किस तरह लगा तुसी साडे ईमेल एड्रैस पर भी दस सकते हो। डॉक्टर साहब मैं एक बार फिर तुहाडा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसी अपना कीमती समय कढ़िया और साडे चैनल दे थ्रू लोगों नाल जिहड़ा तुसी रूबरू होए और लोगों नू तुहाडी इस इंटरव्यू का बहुत फायदा मिलेगा। असी आस करते हैं कि तुहाडा जिहड़ा ये सेवा भाव वाला एक काम है इस तरह निरंतर जारी रहे। धन्यवाद। थैंक यू।